जस्ट टोटो में वायरिंग की बेस है और ये टोटल 9 स्टूडेंट है, तो ऑलमोस्ट उसका वायरिंग का अभ्यासक्रम ख़त्म हो चुका है। तो जैसे मैं बोलूँ तो आज ये लोग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस हमारे यहाँ इस तरह से होती है कि कम समय में कैसे गाड़ी को चेक किया जाए और कम समय में कैसे फॉल्ट को ढूंढा जाए। यहाँ पे कोई बंदे मतलब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है उनको, जैसे मैं बोलूँ तो कोई लोग तो 5-5 साल से भी काम कर रहे हैं, तो उसका काम का स्पीड कैसे बढ़ा यहाँ आने के बाद, सीखने के बाद, चलो वो जानते हैं। और क्या डिफरेंस आया है स्कैनिंग करने में, और पहले स्कैनिंग करते थे बेसिक, और अभी मैं उसको कुछ क्वेश्चन करूँगा उसके रिलेटेड, के भाई स्कैनिंग के रिलेटेड, तो आप उसका आंसर यहाँ से कितना मिलते देखते हैं। चलो, तो अगले स्टूडेंट को, आने वाले स्टूडेंट को मैसेज मिलेगा कि यहाँ आने से कितना अपडेट होंगे और कैसे कैसे आप काम कर पाओगे। तो ठीक है, चलिए मैं आपको पूछता हूँ, आप वायरिंग का सारा काम सीख लिए, रिले, स्टार्टर, हॉर्न वगैरह सारा, लाइट बाइट्स कंफर्म कर लोगे, कोई भी फॉल्ट हो गया आप ढूंढ लोगे, लेकिन कम समय में ढूंढना है। ढूंढ तो सब लेते हैं बराबर, क्योंकि हर बल्ब को पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है, उसी हिसाब से तो हर बंदा ढूंढ लेगा, लेकिन कम समय में ढूंढना है। वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? और उसके बाद मैं पूछूंगा अगर स्कैनर के बारे में, तो स्कैनर आप पहले कितना कर लेते थे? पहले सर हमको 50% बस नॉलेज था, हाँ, बस फॉल्ट कोड ही बस डिलीट करना इतना ही बस, मतलब रीड फॉल्ट कोड करो और क्लियर फॉल्ट कोड करो, बाकी कुछ नॉलेज नहीं था। जैसे आप यहाँ आने के बाद और क्या क्या स्टेप सीखे स्कैनर में? यहाँ आने के बाद हमको एक्चुएशन टेस्ट के बारे में, हाँ, एक्चुएटर टेस्ट बराबर, राइट डाटा, जैसे हमारा कोई एक्चुएटर काम नहीं कर रहा है तो उसको हम स्कैनर से पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एक्चुएटर अब काम नहीं कर रहा है, कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है, उसको एक्चुएशन टेस्ट में हम जाके मतलब अब वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा हमारा लाइव डाटा में जाके हम हमारा कोई जैसे सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हम उसको अब पता कर सकते हैं। बराबर, मतलब सेंसर देखो, उसका कहने का मतलब ऐसा है, मैं आपको समझाता हूँ कि भाई अगर स्कैनर काम कर रहा है तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो लाइव डेटा में जाके लोग चेक कर सकते थे। पहले क्या होता था कि पूरा सेंसर खराब होता था तो स्कैनर एरर दे देता था, लेकिन पूरा सेंसर खराब नहीं है, सपोज मान लो कि सेंसर कम रीडिंग दे रहा है तो लाइव डेटा में जाके पता कर सकते हो, वो एरर नहीं शो करेगा, क्योंकि कम रीडिंग दे रहा है तो एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे सेंसर की ईसीयू कॉलम के अंदर बॉर्डर बनी हुई है, यहाँ से इतनी बॉर्डर तक काम करना है तब तक वो एयर शो नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन है ना आपके पास? यस सर। तो मैं आपको पूछूंगा, अगर सपोज मान लो आपके पास कोई गाड़ी आ रहा है, कस्टमर बोल रहा है इसका भाई मेरा रेडिएटर फैन नहीं घूम रहा है, ओवर हीट हो रहा है, तो आप कम समय में उसको कैसे गाड़ी को चेक करोगे, क्या क्या चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? सपोज मान लो कि मैकेनिक के पास से गाड़ी है, कूलेंट बुलेंट सब चेक कर लिया है बराबर, तो आप उसको कैसे चेक करोगे कम समय में करना है? पहले सबसे पहले सर हम स्कैनर से ही जाके कम समय में यही हमारा एक्चुएशन टेस्ट में जाएंगे, और राइट फैन उसमें रहता है फोन मॉड्यूल में जाके फैन कूलिंग वाले में, उसमें फर्स्ट फैन अपना और सेकंड फैन दोनों का हाई लो का सर्किट दिया रहता है, राइट, तो हम उसमें जाके एक्चुएशन टेस्ट में डायरेक्ट ऑन ऑफ बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि हमारा पंखा चल रहा है कि नहीं। मतलब स्कैनर के माध्यम से आप फैन को कमांड दोगे? यस सर, ऑन ऑफ करने का कमांड दोगे? हमारा नहीं चल रहा है पंखा, तो फिर उसके बाद हम वायरिंग पे फ्यूज रिले बाकी सब टेस्टिंग करें। बराबर, राइट। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई रेडिएटर फैन, अगर सपोज मान लो आपके पास कस्टमर आ रहा है, मैकेनिक के पास गाड़ी चेक किया, कूलेंट बुलेंट सब सही है, और रेडिएटर फैन में या फिर टेम्परेचर में कुछ इश्यू है, तो आप कैसे चेक करोगे फैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है टेम्परेचर स्विच का, तो कैसे मुझे बताइए आप सर। और एक्सप्रेस देखो, मैं आपको वही नहीं बोल रहा हूँ, पहले आप काम करते थे लोकल वाला बराबर, तो बहुत टाइम में के बाद ढूंढ के फिर डायरेक्ट फैन करके तार दे के सप्लाई जोड़ के क्लिप लगा के ये करके वो करके वैसे कर रहे थे, लेकिन कौन सा ऐसा अच्छा तरीका है कम समय में आप कर लोगे काम, तो बताइए सर। हम एक्चुएशन टेस्ट में जाके डायरेक्ट वहाँ से अपना फैन को ऑन अप करके चेक कर सकते हैं, यदि हाँ, हमारा ऑन हो रहा है, यहाँ से फैन हमारा घूम रहा है तो सर्किट सही है, यदि नहीं घूम रहा है तो हमारा फिर रिले हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, इसमें यही दो चीज़ है। और फिर सपोज मान लो स्कैनर ने दिखा दिया आपका सक्सेस, एक्चुएटर टेस्ट किया, फैन ऑन किया, तो स्कैनर ने बता दिया, स्कैनर आपको रिपोर्ट देता ना सक्सेस या फेल्ड, तो आपको सक्सेस का रीडिंग दे रहा है बराबर, और एक्चुअल में फैन नहीं घूम रहा तो कहाँ प्रॉब्लम होगा, कैसे आप ढूंढोगे? फैन का फ्यूज में प्रॉब्लम रहेगा, राइट, और रनिंग में। और सपोज मान लो कि आपका फैन स्कैनर दिखा रहा है कि भाई फेल्ड मैसेज, तो आप कैसे ढूंढोगे, क्या करोगे, फिर कहाँ से कहाँ तक की वायरिंग चेक करोगे? ईसीएम से कंट्रोल, फैन रिले से ईसीएम तक की वायरिंग चेक करनी है, फेल्ड आ रहा है तो। एकदम राइट आंसर दिया आप लोगों ने।
ठीक है, वैसे आप स्कैनर के बारे में और क्या जान चुके हो? लाइव डेटा जान चुके हो, एक्चुएटर टेस्ट, एडिशनल फंक्शन जैसे कि उसमें फंक्शन जैसे कि कैलिब्रेशन हो गया, कैलिब्रेशन राइट, इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हो, कैलिब्रेशन कौन सी चीज का कर सकते हो? स्टीयरिंग राइट, हाँ ब्रेक ब्लीडिंग राइट, और ABS का पंप वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, इमोबिलाइजर कोडिंग भी कर सकते हो राइट, और कोई स्कैनर काम कर सकते हो, वेरिएंट कोडिंग, वेरिएंट कोडिंग कर देगा, वेरी गुड, सही आंसर है। देखिए ईसीयू कभी कभी क्या ईसीयू चेंज कर रहे तो वेरिएंट कोडिंग भी करना जरूरी है, वर्जन कौन सा है, एसी है, नॉन एसी है, बीसीएम है, विदाउट बीसीएम है, बराबर, विथ एबीएस है, विदाउट एबीएस है, वेरिएंट कोडिंग भी इम्पोर्टेंट है। आज लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं है वेरिएंट कोडिंग के बारे में, तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने स्कैनर को समझा है और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने पास वॉटल स्कैनर है और आपका जैसे रेगुलर चालू वैसे चालू रखिए। समय देने के लिए धन्यवाद सबको, थैंक यू।